आतंकियों की मदद करने के आरोप में जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किए गए देवेंद्र सिंह को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस मसले पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लिखा कि देवेंद्र सिंह को चुप करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि उसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दें। नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद विरोध जताने दिल्ली की जामा मस्जिद पहुंच गए हैं। 21 दिसंबर को गिरफ्तार हुए भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद यानी कि रावण को कल गुरुवार को रिहा किया गया था। चंद्रशेखर ने जमानत पर आने के बाद ही ऐलान किया था कि वो अपना विरोध जारी रखेंगे। निर्भया रेप और हत्या मामले में दोषी मुकेश की दया याचिका को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति ने दोषी मुकेश की फांसी की सजा को बरकरार रखने की सिफारिश की है। गृह मंत्रालय ने ये याचिका राष्ट्रपति को भेजी थी। आज ही डेथ वारंट पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली हाई कोर्ट से कुलदीप सेंगर को राहत मिली है। कोर्ट ने पीड़िता को जुर्माना देने की तारीख बढ़ाकर सेंगर को 60 दिन का समय दिया है। पीड़िता को 25 लाख रुपए जुर्माना मिलना है। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने निर्वाचन रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। हाई कोर्ट के याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अब्दुल्ला आजम खान ने विधायकी रद्द किए जाने के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। रामपुर में बीजेपी के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औखल ने बाबा रामदेव के बयान की निंदा की। बलदेव सिंह ने कहा कि छात्रों को आतंकवादी कहना गलत है। छात्र केवल छात्र होते हैं, उनके लिए कानून बने हैं और सरकार अपना काम कर रही है। दरअसल बाबा रामदेव ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान दिल्ली जामिया में छात्रों को आतंकवादी कह दिया था, जिस पर बलदेव सिंह औखल ने कहा कि रामदेव बाबा को छात्रों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सीएम योगी ने कृषक सम्मेलन में किसानों को सौगात दी है। सीएम योगी ने 5 कृषि कल्याण केंद्र का शिलान्यास किया। योगी ने कहा पिछली सरकारों की वजह से किसान आत्महत्या को मजबूर हुए। इसरो को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। इसरो ने फ्रेंच गुआना के कौरू स्थित स्पेस सेंटर से GSAT-30 को यूरोपियन रॉकेट की मदद से लॉन्च किया। GSAT-30 साल 2020 में इसरो का पहला मिशन है। इसरो ने ट्वीट कर इस मिशन की जानकारी दी। UPPCLPF घोटाले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। EOW ने दिल्ली के अनकाउंटेड ललित को गिरफ्तार किया है। ललित पर करोड़ों रुपए की धांधली का आरोप लगा है। ललित ब्रोकरेज फर्म SMC का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इस मामले में अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के नाम पर नया भारतीय संविधान लेख सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में लखनऊ में FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि संघ प्रमुख के नाम पर सोशल मीडिया पर 16 पन्नों का नया भारतीय संविधान वायरल किया जा रहा है। लखनऊ के गौतम गोमती नगर और हजरतगंज थाने में FIR दर्ज की गई है। ग्रेटर नोएडा में 10 दिन पहले हुए गौरव हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस को चंदेल का मोबाइल मिल गया है। चंदेल के मोबाइल से हत्या को लेकर बड़े सबूत पुलिस के हाथ लग सकते हैं। हत्या करने के बाद हत्यारों ने गौरव का मोबाइल फोन आसपास ही फेंक दिया था, जिसे पुलिस ने ट्रेस कर बरामद कर लिया है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल के पदों को भरने में हो रही लेट लतीफी पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता मथुरा दत्ता जोशी ने कहा कि बीजेपी अंदरूनी कलह की वजह से अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी में भीतरी और बाहरी नेताओं की आंतरिक लड़ाई का खामियाजा राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उधम सिंह नगर में समाजवादी पार्टी उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं का प्रतिज्ञा सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने शिरकत करते हुए प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता का आह्वान किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 पुलिसकर्मियों के अवैध तरीके से रहने की खबर सामने आ रही है। AMU के अंदर NCC के क्वार्टर में पुलिसकर्मियों के पास से शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। इस पूरे घटनाक्रम का छात्र नेताओं ने वीडियो भी मोबाइल में शूट किया। गुस्साए छात्रों ने पुलिसकर्मियों पर रात को ड्यूटी के दौरान AMU कैंपस में सोने और पार्टी करने का आरोप लगाया है।
ग्रेटर नोएडा में सुरक्षा गार्डों की गुंडई सामने आई है। सूरजपुर के एवीजे हाइट सोसाइटी में जाते वक्त सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने एक इंजीनियर को बड़ी बेरहमी से पीटा। सुरक्षा गार्डों ने उसको बंदूक की बट और लात घूसों से मारा। वहां लगे सीसीटीवी में पूरा मामला कैद हो गया। पुलिस वालों ने उसकी पिटाई क्यों की अभी तक ये साफ नहीं हो पाया। वहीं पीड़ित की तरफ से पिटाई की शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एटा के जैसलमेर कोतवाली इलाके में रहने वाली महिला ने अपने पति प्रमोद और उसके दोस्त पर उसकी बहन के फोटोशॉप के जरिए अश्लील फोटो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का उसके पति से करीब 7 साल से मुकदमा चल रहा है। उसने अपने पति पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा रखा है। कानपुर में गंगा बैराज के पास युवक पुलिस से बेखौफ होकर अक्स जुआ खेलते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस को ऐसे किसी भी खेल की जानकारी नहीं है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। अलीगढ़ में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से जान माल का नुकसान हुआ है। भुनई गांव में बिजली गिरने से एक भैंस और 2 बकरी मर गई, जबकि एक घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। लोगों ने घटना के बाद मुआवजे की मांग की है सरकार से। सहारनपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस को 2 बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश पुलिस पर ही फायरिंग कर भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। 25,000 का इनामी बदमाश अंकुर गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक देसी तमंचा और एक बाइक बरामद की है। कानपुर के बाबूपुरवा कोतवाली के तमिहल चौक के पास सड़क दुर्घटना में 2 बाइक सवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी की टक्कर से दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। मेरठ में एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। महिला खेत में काम कर रही थी जब वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। मथुरा के जेई की गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मथुरा के थाना जमुना पार इलाके की घटना बताई जा रही है। विद्युत विभाग के जेई की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। पानी गांव बिजली घर पर मृतक जेई प्रदीप कुमार तैनात थे। वो अप्रैल 2019 से ही मथुरा में तैनात थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी के साथ विद्युत विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। एटा जिले में रेप पीड़ित युवती पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। पीड़ित पर हमला करने वाले आरोपी के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। आरोपी के रिश्तेदार पीड़ित पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे थे। पीड़िता ने जब मुकदमा वापस नहीं लिया तो आगरा के शाहगंज इलाके में मामूली कहासुनी होने पर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। विवाद के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आ गए और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत पथराव तक आ गई। काफी मारपीट होने के बाद मामले में फिलहाल जांच की जा रही है। लखीमपुर खीरी के लुटेरों को मोबाइल छीनना काफी भारी पड़ा। मामला पुलिस कोतवाली का है, जहां बाइक सवार लुटेरे युवक से पैसे और मोबाइल लूटकर भाग रहे थे। तभी वहां खड़े लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और उनकी जमकर धुनाई कर दी। पिटाई के बाद लोगों ने दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। जालौन के माधवगढ़ इलाके में झमाझम बारिश के बीच शराबियों का सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कोटेदार के समय खाद्य सामग्री ना देने के नाराज शराबी ने कोटेदार पर जमकर लात घूंसे बरसाया। शराबियों ने मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डोईवाला में भोगपुर गांव के गुरु राम राय इंटर कॉलेज के पास सड़क किनारे खड़ी बस में अचानक आग लग गई। आज सुबह हुई घटना के इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई, लेकिन आग से पूरी बस जलकर खाक हो गई। उत्तराखंड में मगरमच्छ और घड़ियाल की गणना ड्रोन कैमरों के जरिए की जा रही है। पूरे देश में उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जहां नई आधुनिक ड्रोन फोर्स से मगरमच्छ और घड़ियाल की गिनती की जा रही है। 6030 किलोमीटर के दायरे में राजाजी और कॉर्बेट के अलावा पश्चिमी वृत्त और शिलावृत्त में भी मगरमच्छ और घड़ियाल की गिनती की जाएगी।
उत्तराखंड में गुलदारों के आतंकी कई घटनाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन आपको हैरानी होगी कि गुलदारों से ज्यादा घातक सूबे के जहरीले सांप हैं, जिसका जहर सबसे ज्यादा लोगों की जिंदगी ले रहा है। सांप के जहर से पिछले साल 19 लोग मारे गए, जबकि 78 लोग बाल बाल बच गए। संगम नगरी प्रयागराज में परेड ग्राउंड में किसानों का 3 दिवसीय राष्ट्रीय किसान मेला शिविर लगा है। शिविर में यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत भी भाग ले रहे हैं। 3 दिवसीय शिविर में उन बातों पर चर्चा होगी जिन समस्याओं से किसान जूझ रहे हैं। प्रयागराज पहुंचे राकेश टिकैत ने सरकार से मांग की इस बार पेश होने वाले आम बजट में एग्रीकल्चर बजट अलग से पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर बजट पेश होने से किसानों की समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड में उत्तरायणी मेला चल रहा है, ऐसे में पूर्व सीएम हरीश रावत भी मेले में खूब एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका ढोलक बजाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रावत का जनता के साथ जुड़ने का ये नायाब तरीका सबको भा रहा है। 16वें फरुखाबाद महोत्सव का परिणाम आ गया है। यकीनन प्रतिभागियों ने मंच पर ताज हासिल करने के लिए खूब पसीना बहाया। इस बार मिस यूपी का ताज वाराणसी की अपराजिता को दिया गया। वहीं गोरखपुर के विवेक पाठक को मिस्टर यूपी का खिताब मिला। इस दौरान विनर घोषित होने के बाद कई मॉडलों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने आयोजकों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। पड़ोसी देश नेपाल में स्वाइन फ्लू का प्रकोप शुरू हो गया है। इन हालातों को देखते हुए स्वाइन फ्लू को लेकर बहराइच में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू वार्ड बनाया गया है, साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों को सतर्क किया गया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट बदली है। देर रात हुई बारिश ने एक बार फिर ठंड बढ़ा दी है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में कुछ जगहों पर रात में रुक रुक कर बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं रुक रुक कर बारिश होने की संभावना के चलते मौसम विभाग ने भी दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रुद्रप्रयाग में बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। जिले में 2 दिन से लगातार बारिश जारी है। बारिश की वजह से कई लिंक मार्ग प्रभावित हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर बारिश से भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। वहीं पहाड़ी इलाकों में कई दिनों से बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी से निर्माण कार्यों पर ब्रेक लग गया है। बारिश और बर्फबारी से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। मसूरी के पर्यटन स्थल धनलॉट में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से तापमान में भारी गिरावट आई है। बर्फबारी से एक तरफ पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं, तो दूसरी तरफ से स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कुछ लोग तो बर्फबारी की मजा लेते हुए दिखे। कनाडा की एक दूरदर्शी कंपनी ने शहरों में प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल करके लकड़ी का विकल्प तैयार किया है। नोवा स्कॉटिया प्रांत के हॉलीफैक्स में जमा होने वाले कुल प्लास्टिक कचरे के 80% को अब एक कंपनी द्वारा रिसाइकिल किया जा रहा है। इस काम में लगी गुडवुड प्लास्टिक कंपनी प्लास्टिक कचरे से बिल्डिंग ब्लॉक बना रही है। चीन ने भारत और ब्राजील के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के दावे को कमतर करने का प्रयास करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर बड़े मतभेद हैं। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से एक है और उसके पास वीटो शक्ति है। संयुक्त राष्ट्र के शक्तिशाली न्याक सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की भारत की कोशिश को चीन वर्षों से आम सहमति नहीं होने का हवाला देकर टाल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बैंक के खिलाफ सख्ती बरती है। अब आरबीआई ने कोलकाता स्थित कोलकाता महिला कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर शिकंजा कस दिया है। केंद्रीय बैंक ने इस पर 6 महीने की पाबंदी लगा दी है। इस बैंक के ग्राहक 10 जनवरी 2020 से 9 जुलाई 2020 तक यानी 6 महीने में केवल 1,000 रुपए ही निकाल सकेंगे। आरबीआई ने इस फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बैंक अपनी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार होने तक पाबंदियों के साथ अपना बैंकिंग बिजनेस जारी रखेगा। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई है। शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल के रेट और कम हुए हैं। आज पेट्रोल का दाम 0.14 रुपए और डीजल का रेट 0.15 रुपए की कटौती हुई है। शुक्रवार को दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल का दाम 75.41 रुपए, 78.00 रुपए, 81.00 रुपए और 78.36 रुपए प्रति लीटर है। वहीं चारों शहरों में डीजल की कीमत 68.67 रुपए, 71.13 रुपए, 72.11 रुपए और 72.68 रुपए प्रति लीटर हो गई है।
शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव बना हुआ है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 82 पॉइंट गिरकर 41,850 पॉइंट 29 तक फिसल गया। निफ्टी में 34 पॉइंट का नुकसान देखा गया। इसने 12,321 पॉइंट 40 का निचला स्तर छुआ। इसके साथ ही सेंसेक्स में 30 में से 17 और निफ्टी के 50 में से 25 शेयरों में नुकसान देखा गया। बजाज का चेतक इलेक्ट्रिक भारतीय बाजार में दस्तक दे चुका है। 14 साल बाद चेतक की वापसी हुई है। नया मॉडल पुराने से पूरी तरह अलग है। इसकी कीमत 1.15 लाख रुपए है। कंपनी ने इसके अर्बन और प्रीमियम दो वेरिएंट पेश किए हैं। कस्टमर्स इसे 6 कलर वेरिएंट में खरीद पाएंगे। इसकी प्री बुकिंग भी शुरू की जा चुकी है। डायरेक्ट टैक्स कोड पर टास्क फोर्स ने सुझाव दिए। आयकर कानून के धारा 80 सी के तहत टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए तक की जा सकती है। इस धारा के तहत नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेशन में 50,000 रुपए तक के निवेश पर अलग से छूट दी जा सकती है। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ऑडी Q8 कार के पहले को ऑनर बन गए हैं। ऑडी ने यह कार 15 जनवरी को लॉन्च की थी। ऑडी Q8 की कीमत 1.33 करोड़ रुपए से शुरू है। BCCI के अनुबंध सूची से बाहर किए गए पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने भविष्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच गुरुवार को झारखंड रणजी टीम के साथ अभ्यास शुरू कर दिया। 38 वर्षीय धोनी रांची में अपनी घरेलू टीम के नेट अभ्यास सत्र में दौरान उपस्थित थे। इस तरह से उन्होंने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग के लिए खुद को तैयार रखने का संकेत भी दिया है। भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा हॉबार्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट में महिला डबल्स के फाइनल्स में पहुंच गई है। 33 साल की सानिया का अपनी यूक्रेनी साथी नादिया किचिनोक के साथ शानदार प्रदर्शन जारी है। मां बनने के बाद वह पहली खिताब से एक कदम की दूरी पर हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 3 वनडे सीरीज में पहले मैच में पहली बार 10 विकेट से हराया। इसको लेकर BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि भारतीय टीम बहुत मजबूत है, वह अगले दोनों मुकाबलों में धमाकेदार वापसी करेगी। इसके लिए उन्होंने विराट कोहली को शुभकामनाएं भी दी हैं। पहले हफ्ते में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए तानाजी बॉलीवुड की 20 बड़ी फिल्मों में शामिल हो चुकी है। तानाजी ने सलमान खान की एक था टाइगर और दबंग 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक ने सिनेमाघरों में अपना दमदार प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। विवादों में घिरे होने के बावजूद फिल्म लगातार अच्छी कमाई कर रही है। एक हफ्ते में फिल्म ने 30 करोड़ की कमाई कर ली है। वेब सीरीज की दुनिया में एक और वेब सीरीज आने को तैयार है। इस बार Amazon प्राइम वीडियो एपिसोड्स लेकर आ रहा है। Amazon की यह वेब सीरीज आज रिलीज हो गई है। इस वेब सीरीज का ट्रेलर काफी दिलचस्पी जगाता है। सीरीज में एक कंपनी है जो आत्महत्या कराने के लिए ठेका लेती है। इन सबको मिलाकर एक किस्म की डार्क कॉमेडी का प्रयास किया गया है।